रहे भैया टोकलो रोड क्या है पहला दान आगे से कर रहा है पेट्रोल पंप में नहीं है ये छत में लगा या घर पे लगाया लग रहा है ऐसा सूचना मिल रहा है कि यहाँ पे आग लगा है शायद में भी और बहुत जबरदस्त का धुआं यहाँ से हो रहा है। हाँ चांसेस है कि आग लगा हुआ है यहाँ पे और शायद कोई घर पे है लेकिन अब तक जो है दमकल वगैरह यहाँ पे दिख रहे नहीं है और ये घर जो है ये देख के लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। अब आगे तो ज़्यादा जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत जो है धुआं बहुत ज़बरदस्त का यहाँ से उठ रहा है और ये पूरा एरिया में जो है सिर्फ धुआं ही धुआं। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया हुआ क्या है पूरा अंदर आग लगा हुआ है जबरदस्त है पूरा ज़बरदस्त। आप आग यहाँ से देख भी रहे हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए एक साइड से और ये आग आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर पूरा सा लगा है ऊपर का जो फ्लोर है उस पर पूरा यहाँ से आप देख रहे हैं जबरदस्त आग यहाँ से देखने को मिल रहा है और धुआं भी आप देखिएगा तो इधर से दिख रहा ना। और ये सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे पास में आप लोगों को यहाँ पे जो है ना पेट्रोल पंप वगैरह भी अगल बगल में है और इस छोटा पानी या पाइप के पानी से नहीं कुछ होने वाला है यहाँ पे। जब तक अगर वक्त पे यहाँ पे दमकल की गाड़ी नहीं आती है तो आग पे फिलहाल तो काबू नहीं पाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर से अब आप लोगों को आग दिख भी रहा होगा भयंकर जबरदस्त किस्म का यहाँ से जो है ना मतलब कि धुआं जो है। हम लोग मेन रोड में थे मेन रोड से देख के आए और पूरा जो भीड़ है यहाँ से देखिए यहाँ से पूरे जो अभी भीड़ लग गया है लेकिन दमकल को फोन कर दिया गया है। यहाँ पे ये किसी का गोडाउन देखने को मिल रहा है शायद ये गोडाउन है। विनोद भैया इस रोड को ना इस रोड को क्लियर रखिए गाड़ी को उधर से पार्क करवाइए। हाँ इस रोड को क्लियर रखिए क्योंकि यहाँ दमकल लगेगा। किसका गोडाउन है किसका गोडाउन किसका है हाँ तो इस रोड को क्लियर रखिए इस रोड में कोई गाड़ी आने मत दीजिए। एक साइड पहले ट्रैफिक आप लोग कंट्रोल कीजिए ट्रैफिक को इस रोड को ब्लॉक रखिए इस रोड को ब्लॉक रखिए इसको ब्लॉक रखिए क्योंकि दमकल का गाड़ी फिर इधर ही आएगा ना दमकल आएगा ना आप लोग उधर से निकलिए। नहीं नहीं इस रोड को ब्लॉक रखिए। अरे मनोज भैया और जाम हो जाएगा दमकल लगाएगा ना अगर यहाँ अरे और जाम कैसे कीजिएगा जाम हो जाएगा तो आने भी नहीं सकेगा दमकल यहाँ पे लगाने का जगह रखिए फिर देखिए यहाँ से मतलब और राजेश भाई और ट्रैफिक वाले लोग जितना सबको बुला लीजिए आप लोग ट्रैफिक यहाँ जाम मत होने दीजिएगा ठीक है। अंदर जाने लायक है अंदर अंदर जाने लायक है रास्ता है ना आइए आपको आके किधर से रास्ता जाने का अरे ऊपर जाएगा आ रहा आ दमकल आ रहा है फोन किया है बगल वाला को देख आशीष नीचे वाला खाली करवा दमकल आ रहा दमकल आ रहा फोन किया दमकल आ रहा है यहाँ से भीड़ हटा दीजिए मेरे हिसाब से यहाँ से भीड़ हटा दीजिए क्योंकि तो फटे उठेगा ना तो फिर तो लगेगा उससे कंप्रेसर फटेगा वहाँ से हट भीड़ मत लगाइए वहाँ पे
फटेगा, कंप्रेशर वगैरह फटेगा, वहाँ पे नहीं रहिए, भीड़ में नहीं रहिए, साइड रहिए, साइड रहिए, मजा भाई, मजा मजा मजा, कंप्रेशर उसका फ्रिज सबका फटेगा ना, तो फट रहा है ना, मत रहो वहाँ पे, मत रहो भीड़ में, मत रहो बाहर, रहो और हेल्प नहीं करो तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करो किसी को, हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो डिस्टर्ब मत करो। देखिए इसी के ऊपर वाला जो छत है इसी पे आग लगा हुआ है और बहुत मतलब जबरदस्त किस्म का यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, भीड़ देखिए रोड पे किस कदर का भीड़ भी लग गया है। अचानक से आग लगना, शॉर्ट सर्किट हो करके ये जो है, और अब देखिए शहर के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब लोग सपोर्ट में तुरंत ही आ जाते हैं, यही खासियत है शहर का कि लोग तुरंत सपोर्ट में आ जाते हैं। अब तक जो है दमकल नहीं पहुंची है, लेकिन दमकल जो हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत आ जाएगा, क्योंकि कॉल तुरंत ही कर दिया गया था। देखिए आप लोगों को यहां से आग दिखता होगा, अब जो है पूरा एरिया महकना शुरू हो गया है, मतलब ऐसा स्मेल हो रहा है, तो अभी ये पता चला है कि रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये गोडाउन है, मतलब कि जो आप जहाँ पे आग लगा वो देख रहे हैं, तो वो रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप देख रहे हैं सामने में आगे जो है, हाँ उनका गोडाउन है ये। ट्रैफिक भी उसी तरह से रोड में बढ़ते चले जा रहा है, और अब जो है स्मेल भी जो है, दिनेश जना का, हाँ दिनेश भैया, थोड़ा दूर के बाद लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है और इधर जो है पूरा बड़ा बस्ती है, लेकिन हम लोगों ने अंदर भी जा करके देखा तो उम्मीद है कि आग ऐसा है कि आग कंट्रोल हो सकता है। दमकल की गाड़ी आएगी तो बहुत जल्दी आग को जो है काबू में लिया जा सकेगा। क्या बना भैया, फोन किया फिर से निकल गया, कम भी हो गया, बहुत कम हो गया, पुलिस प्रशासन जो है लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगी हुई है, और भीड़ जो है धुआं को देख करके भीड़ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं खुशी की बात यह है कि जो है आग कम होते हुए नजर आ रहा है, मतलब धुआं जो है वो कम दिख रहा है। बस दमकल आएगा उसके
निकलेंगे है ना, हो सकता है जरूरत पड़ जाए कुछ है ना, उसको करवा के निकलेंगे। दमकल की गाड़ी आ चुकी है, दमकल आ चुकी है यहाँ पे, आपको दिखा रहे हैं सामने जो है दमकल आ गया है। और चलिए अब उम्मीद है कि हम लोग तुरंत ही आग पे काबू पा सकते हैं। दमकल आ गया, चलो सबसे अच्छी बात यह है दमकल यहाँ पे आ गया है। बहुत सही सर्विस दमकल का देखने को मिल रहा है, बहुत सही टाइमिंग में जो है दमकल यहाँ पे पहुँच चुका है। मतलब करीब 5 से 7 से 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा दमकल यहाँ पे पहुँच गया, दमकल लगा दिया गया है। और अब क्या है कि अब इस ट्रैफिक को यहाँ से जो है इसको रोक दिया जाएगा, और रोक करके यहाँ पे मैं पहले ही यही कह रहा था कि इस जगह को बैरिकेड लगा दिया जाएगा, और बैरिकेड लगाने के बाद जो है तब काम है जो इजी किया जाएगा यहाँ पे। तो फिलहाल जो है दमकल को यहाँ पे लगा करके अब इस जगह को ब्लॉक करके एक रोड को चालू करके इसमें जो है पानी जो उसको मारा जाएगा। बहुत मतलब सही टाइमिंग में दमकल पहुँच चुकी है, 5 से 7 8 मिनट जो लगा है उसमें जो है दमकल यहाँ पे पहुँच गया है। और आम लोगों का मदद जो है आप देखें कि यहाँ पे जितने भी आसपास के दुकानदार हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ पे जो है तुरंत ही पहुंच गए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अननेसेसरी जो भीड़ है, जो लोग ऐसे ही भीड़ लगा करके रखे हुए हैं, उन लोगों को हटाया जा रहा है। और बिल्कुल मतलब जिनका ज़रूरत नहीं है वो यहाँ पे भीड़ लगा करके जो है यहाँ पे सिर्फ टाइम को ये करना भी ये नहीं है। अब वो इधर काहे घुसा दिया साइकिल से लोग, अब हम लोग तुरंत ही आग पे काबू पा लेंगे। जो मतलब उम्मीद था कि दमकल का टाइमिंग एकदम इतना जल्दी पहुंचा यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी लगी ये चीज़ को देख करके कि दमकल बहुत टाइम से आ गया यहाँ पे, बहुत जल्दी पहुंच गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना जो है एक चैलेंजेस है। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अचानक से आग लगा है, और उसमें इतना ज़्यादा आग फैलना मतलब कि धुआं जो है, हम लोग यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे थे, वहाँ से पूरा धुआं दिखने लगा। हम लोग धुआं को देखते हुए लाइव शुरू करके आए हैं, और उसके बाद यहाँ का जो आग था वो अलग ही नज़ारा एक था। लेकिन दमकल की मैं सच में तारीफ करता अगर मैं कर रहा हूँ तो वाकई ये तारीफ करने वाली बात है, इतना सही टाइमिंग में दमकल यहाँ पे पहुँचना। भटकीड़ी में तो वहाँ से मेला, मेला मेला अच्छा अच्छा मेला देखने का है, मुर्गा पाड़ा उसी का गोडाउन है अपने लगा है, शॉर्ट सर्किट है। चलिए आग पे काबू, अब तक जो मैं स्टेटस आपको अपडेट कर दूं, लगभग आग पे काबू पा लिया गया है, ये लग रहा है कंडीशन देख करके ये जो है आग पे जो है काबू पा लिया गया है। भैया भैया बुलबुल दिनेश को आवाज देना, अजियत अजियत
ट्रैफिक को जो है एक साइड से रोक दिया गया है। जा रहे हैं, जाइए हाँ जाइए, नहीं जाइए, हम इसको करके आते हैं, नहीं हम बैडमिंटन कोर्ट आ जाएंगे, आप लोग चले जाइएगा, हम आ जाएंगे, देखते हैं किसी को बोलेंगे छोड़ देंगे। अब शॉर्ट सर्किट से हुआ है या किस लिए हुआ वो रीज़न अब तक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि पिछले डेढ़ घंटे से जो है लाइट बंद है, लेकिन हमारा जो लाइव चालू हुआ है वो 15 से 20 मिनट हो गया है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो धुआं काफ़ी देर से था, मतलब ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट से वो आग लग रहा है। अब किस लिए चलिए, फिलहाल तो आग पे काबू पा लिया गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है भीड़ को खदेड़ा गया है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे भीड़ में कमी देखने को मिल रही है और